फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद दिल्ली तेल तिलहन बाजार में ऊंचे भाव पर मांग न होने से कच्चा पाम तेल, पामोलिन और सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दूसरी ओर आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता होने के कारण सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन और बिनोला तेल कीमतों में सुधार आया है। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 1.2% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में कारोबार का सामान्य रुख रहा। वहीं आयातित तेलों के मुकाबले देसी तेलों के सस्ता होने से इन तेलों की मांग बढ़ रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को बाजार में सरसों का तेल 158 से 160 रुपये लीटर मिल रहा है, जबकि सोयाबीन का तेल 165 से 170 रुपये लीटर है। देसी तेलों के भाव आयातित तेलों से सस्ता होने के कारण इनकी मांग है, जिसमें सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन और बिनोला तेल में सुधार आया है। वहीं सहकारी संस्था हाफेड और नेफेड को बाजार भाव से सरसों की खरीद कर स्टॉक कर लेना चाहिए, जो कठिनाई के दिनों में देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जब आयातित तेल महंगे बिक रहे हों तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद करना मुश्किल होगा, इसलिए बाजार भाव पर इसकी खरीद करने की ज़रूरत है। आयातित तेलों के महंगा होने के कारण खाद्य तेल मांग को फिलहाल सरसों और मूंगफली के जरिए पूरा किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि तेल कीमतों की घटबढ़ और आयात पर निर्भरता कम करने का स्थायी एवं सुरक्षित उपाय देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाना ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।